अरे हुआ था बाप जब। रे बाप, लगता था कि पानी बिक रहा है एकदम ऊपर, एक टाट से ऊपर धड़ा। बहुत भयंकर हलचल हुआ था यहाँ पे, जैसे लगा कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। भ्रष्ट सरकार का कारनामा बता रहा है कि यह सब पुल कैसे बना गया है। पता नहीं क्या मटेरियल दे रहा है नहीं दे रहा है, पहले वो वाला गिर गया अभी ये वाला गिर गया। क्या अरे हुआ था बाप जब? रे बाप, लगता था कि पानी बिक रहा है एकदम ऊपर, एक टाट से ऊपर धड़ा। नजारा तो आदमी सब तो भाग गया, नाव वाला तो उधर जो आता नाव में कूदने लगा, तो मर गया नाव पर, आदमी सब भागने लगा। ऐसा नजारा कोई यहाँ पर गंभीर भी हुआ? गंभीर वैसे भीड़ थे आदमी, नहीं कोई घायल नहीं हुआ। जो नाव नाव लगा हुआ था सब चीज सब तो समझ गया कि जो नाव पे तो अपना चलते रह गया। कितने बजे कल शाम के आसपास गिरी थी? वही 5:30-6 के लगभग। हाँ, कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है कि नहीं? नहीं गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ। अब वो जाने के लिए तो सब उस बार मसान घाट लगता है, मसान को जल्दी पूजा नहीं लोग, गंगा माई को काम चल रहा है। पुल नहीं बन पाया, आगे क्या लगता है आपको? अब यो नहीं बन सकेगा, अब तो लगता है कि 300 में बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों अब डिस्चार्ज होगा फिर दूसरा बनेगा। जब ये पुल गिरी थी तो क्या नजारा था उस वक्त यहाँ पर, क्या हलचल हुई थी? बहुत भयंकर हलचल हुआ था यहाँ पे, जैसे लगा कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जी। उसके बाद कुछ समय के बाद पता चला कि पुल ध्वस्त हो गया। ये सब बता रहा है आपको भ्रष्ट सरकार का कारनामा बता रहा है कि यह पुल कैसे बना गया है। पहले भी एक बार इसके साथ घटना हो चुका है, पुल टूट चुका है, फिर भी इस पे जो है ध्यान नहीं दिया गया। ये पूरा ये राज्य सरकार जो है पूरा भ्रष्ट है, इस पे कार्रवाई की जाए। तो क्या स्थिति थी उस वक्त और अभी आप लोग क्या देख? उस टाइम तो बहुत भीड़ लगा हुआ, तो देखने का नजारा ही कुछ और था जी। कैसा अनुभव था उस वक्त जब आवाज हुई पानी में? आवाज तो बहुत दूर तक पहुंचा, जैसा लग रहा कोई चीज फट गया पूरा एकदम। पिछले 8 साल से स्कूल का काम चल रहा है, अभी तक ये पुल नहीं बन पाई है, क्या लगता है आप लोग को आगे? पता नहीं क्या मटेरियल दे रहा है नहीं दे रहा है, पहले वो वाला गिर गया अभी ये वाला गिर गया, इसमें पब्लिक चलेगा कि नहीं चलेगा कोई पता नहीं है। ये पिछले साल भी पीछे गिरा था? हाँ इसी साल गिरा है जी। हाँ उसके बाद ही गिरा है। सिंगला कंस्ट्रक्शन हम लोगों को कल ध्वस्त होने के बाद जस्ट हमें लोगों को सूचना मिला, तो सीओ साहब के माध्यम से हम तुरंत 10 मिनट के अंदर में आकर के यहाँ पर जायजा लिए, और जायजा लेने के बाद यहाँ से रिपोर्ट मिला कि कोई मानव क्षति नहीं हुआ है। और इनका हम लोग जायजा लेने के बाद फिर अपने लोकेशन में चले गए। 4 बोट लगी हुई SDRF की, 2 बोट उधर से 2 बोट इधर से, और 4 बोट अभी नदी में चल रही है और इनके जायजा ले रहे हैं कि मतलब किसी तरह से कोई अभी इनका पदाधिकारी आए नहीं है पुल वाले, तो कोई दिखाई नहीं, इनसे बात करने में अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो